नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर साइंस की क्लास लेकर, जिसमें हम आगे जो चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कल हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। बस आप लोग जो है, यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं या ग्रुप में आप उसे बोल सकते हैं। अब आगे जो मेन चीज़ें बची हुई हैं, अपन मेन चीज़ों में बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो समझने लायक हों, कुछ चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे आज। तो जो हमारा कल का टॉपिक बचा हुआ था, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहले कोरोजन और फिर उसके बाद हम देखेंगे रेंसिडिटी। चल, तो ये दो चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब देखिए, बात जब हम कोरोजन की करते हैं तो भाई कोरोजन क्या है, पहले तो हम जनरली समझ लें इनको कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है, ना। तो कोरोजन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी के जो लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, जैसे बाहर कभी कोई लोहे की कुर्सी पड़ी हुई है या कोई लोहे का सामान पड़ा हुआ है या कोई और मेटल में, जैसे कॉपर का बर्तन ले लें अपन, है ना, कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे वगैरह के बर्तन होते हैं, या सिल्वर की कोई बर्तन है या कोई आर्टिकल है, ऑर्नामेंट है, तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि उनका जो कलर है ना, या तो उस पर कोई लेयर ऊपर चढ़ जाती है या उसके कलर में आपको चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि अपन आयरन की बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर जो है वो एक लेयर टाइप की जम जाती है, जिसे हम बोलते हैं भाई इसमें जंग लग गई है, है ना। या अपन कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के बर्तन में जो है वो ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, और यदि सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। आप कभी देखिएगा जो सिल्वर के बर्तन होते हैं या मूर्तियाँ वगैरह छोटी मोटी जो होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि ब्लैक कलर जो है वो जम जाता है, है ना। तो अब ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, होता क्या है कि ये जो आयरन है या सिल्वर है या कॉपर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो है ओपन एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, है ना, उनसे रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो गैसेस हों या चाहे वो धूल मिट्टी हो, जो भी चीज़ें हों, इन सब से रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। और जब ये रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन में जब मॉइस्चर जो है वो मिलता है, तो ये चीज़ें जो है वो मेटल के ऊपर क्या हो जाती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, जम जाती हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि एक परत ऊपर जम गई है ना, तो क्या होगा भाई, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो देखने को मिलेगा ही हमको। तो वो जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होता है, वो मेटल के ऊपर जो है वो अलग कलर के फॉर्म में हमें देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एक मेटल के ऊपर किसी इम्प्योरिटी के लेयर बना लेने की, इसी को ही हम कहते हैं भाई कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको डेफिनेशन वाइज यदि देखें, तो मैं मतलब बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार हम डेफिनेशन लिख के इसको समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन थी, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड, है ना। अब देखिए क्या हुआ, वो बाकी की डेफिनेशन वर्ड पर है। तो क्या लिखा मैंने कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, मतलब कि कोई मेटल है, यदि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, एसिड है और भी चीज़ें जो मैंने बताई, उससे रिएक्ट करता है, तो अपन कहते हैं कि भाई वो जो ऑर्नामेंट है या जो जो मेटल है वो कोरोड हो गया, मतलब उसमें जंग लग गई है ना। और ये जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं कोरोजन। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं तो वो आप समझ सकते हैं, कोई बहुत टफ एग्जाम्पल नहीं है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम देखें अगला जो है डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, R A N है यहाँ पर। तो
रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खाने वाली है या फूड मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं या और भी ऐसी चीज़ है ना, तो उसका ख़राब होना वो सीधे सीधे सी बात है कि भाई वो रेंसिडिटी है ना, उसको हम इंग्लिश में रेंसिडिटी, और ये जो प्रोसेस है ये रेंसिडिटी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रेंसिड कहलाता है कि भाई रेंसिड हो गया मतलब ख़राब हो गया है वो, है ना। तो अब ये होता कैसे है, तो क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे कि यदि खाने को हमने ऐसे ही रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा हुआ है ना, तो क्या होता है कि उसमें से जो है वो बैड स्मेल जो है वो बनने लगती है और खाने लायक नहीं रह जाता है वो सामान, चाहे कोई भी चीज़ हो, खाने से रिलेटेड हो या कोई भी फूड आइटम ऐसा हो या कोई भी ऐसा आइटम जो कि फूड आइटम में मिक्स करना हो या अदर चीज़ें भी जो हैं वो जो है वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, है ना। तो ऐसा होता क्यों है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह आप देखेंगे यदि आपने खुला उसको छोड़ दिया है, खुला रख दिया है आपने उसे, या सब्जियां वगैरह हैं तो आप देखेंगे कि वो ख़राब होने लगती हैं, उसमें से जो है वो स्मेल आने लगती है, ठीक, और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये होता कैसे है, तो ये जो आइटम्स जिनके मैंने नाम लिए हैं ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्साइड बना है, ये उस खाने के स्मेल में और टेस्ट में जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है ना। अब इसे बचाना कैसे है, तो बचाने के लिए आपको मालूम है कि या तो हम उनको फ्रीजर में रखें, टेम्परेचर कम कर दें, तो टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो वो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, या तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, है ना, खाने के जो पैकेट होते हैं उसमें लंबे समय तक खाने को रखा जाता है लेकिन खाना ख़राब नहीं होता, तो क्या क्या, पहले तो उसको जो है वो वैक्यूम टाइट किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल कर दी जाती है जिससे उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, या कहना चाहिए ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो रेंसिडिटी का मेन रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो यदि हमें रेंसिडिटी से बचाना है अपने खाने को, तो हमें जो है ऑक्सीडेशन को या तो बिल्कुल ख़त्म करना होगा या तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बिल्कुल कम करना होगा, ठीक है, तभी हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल विच आर मिक्स्ड इन फूड मटेरियल, मतलब कि फैट्स और ऑयल्स जो कि फूड मटेरियल में मिक्स हैं, है ना, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तभी ऑक्सीडाइज होंगे, तब क्या है उस फूड मटेरियल से या ऑयली या फैटी मटेरियल से जो है वो स्मेल आने लगती है और उसके टेस्ट में चेंज देखने को मिलता है। यही जो प्रोसेस है क्या है, ये रेंसिडिटी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। तो ये था, अब इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए थे, तो क्वेश्चन आंसर में पहले मैं इसको रफ कर दूं, फिर बात करते हैं हम। क्वेश्चन आंसर्स में सारे के सारे समझाने वाले नहीं हैं, मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन मैग्नीशियम स्ट्रिप के बारे में था कि भाई मैग्नीशियम जो है उसको बर्न करने से पहले जो है क्लीन क्यों किया जाता है, ठीक है ना, उसको साफ क्यों किया जाता है। तो देखें क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं हम, है ना, या जो भी एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं उनमें हमें मालूम है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं उनसे, कुछ जो है वो रिएक्टिव होते ही नहीं हैं, है ना। तो अब ये जो मैग्नीशियम है ये ऐसे मेटल्स की कैटेगरी में आती है जो कि हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव का मतलब ये है कि वो जो है यदि हम उसे ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं या ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, है ना, उन सब से जो है वो रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करती है, ऊपर जो है उस मेटल में एक लेयर बन जाती है। अब क्योंकि उस मेटल के ऊपर एक लेयर बन गई है, चाहे वो धूल मिट्टी हो या कोई अदर गैस हो, चाहे ऑक्सीजन ही हो, चाहे अदर गैसेस हो, तो क्योंकि उसके ऊपर लेयर बन गई है तो वो जो लेयर है उस रिएक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी को जो है वो कम कर देती है, इफ़ेक्ट करती है ना। तो जो यूज़ हमें उसको उसका करना है या उसे हमें बर्न ही करना है तो जो बर्निंग प्रोसेस होगी वो उतने प्रॉपरली हमें देखने को नहीं मिलेगी। भाई क्यों, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जमी हुई है, है ना, जो कि डायरेक्टली जो है उसे बर्न होने नहीं दे रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करें कि वो जो मैग्नीशियम
कि जो भी स्ट्रिप हमने ली हुई है, जो भी पट्टी हमने ली हुई है, पहले तो उसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। और साफ क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसके ऊपर की जो लेयर है वो हटानी है, है ना। जो ऊपर लेयर जम गई है गैसेस और अदर मटेरियल की, धूल मिट्टी का जो भी हो, तो वो लेयर यदि हम हटा देते हैं तो हमारे पास एक प्योर मेटल होगा, प्योर मैग्नीशियम होगा। और फिर वो जो प्योर मैग्नीशियम है वो जो है वो बर्न आसानी से हो पाएगा, है ना। तो मैंने इसको जो है ये आप लोगों को लिखवा दिया है, नोट्स के फॉर्म में आपके पास मौजूद है ये चीज़ें, तो आप याद भी कर सकते हैं। और मैंने समझा तो दिया ही ये आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है इस चैप्टर में, वो जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो उतनी टफ नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, जो कि हमें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं इक्वेशंस लिख लूँ, फिर वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलो तो ये देखें, ये मैंने तीन इक्वेशन लिखे हुए हैं। ये इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारा जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है अभी, है ना, जिसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करने में जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले तो हमने क्वेश्चन में जो चीज़ें लिखी हैं उसको लिख लिया है। अब बैलेंस करने में वाला काम जो है वो हम बाद में करेंगे, बाद में मतलब अब करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होती है और अमोनिया फॉर्म करती है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई मैंने लिख लिया नाइट्रोजन, मैंने लिख लिया हाइड्रोजन, अब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो मैंने वो भी लिख लिया। अब देखें क्या ये बैलेंस है, क्या बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट में जितना भी रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है उनका जो भी मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, तब वो जो है इक्वेशन बैलेंस कहलाता है। डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में यदि हम देखें तो प्रोडक्ट में यदि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन 3, है ना। फिर यहाँ पर अपन आ जाए तो नाइट्रोजन डबल है और हाइड्रोजन भी डबल है, मतलब कि 2 ही है मॉलिक्यूल। आप देखें अब क्या किया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या करें हम सबसे पहले, भाई यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, चलिए यहाँ मैंने 2 कर लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ 2 किया है तो अपने आप केवल यहाँ पर तो करें तो यहाँ पर भी होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर कितना मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद है। अब हम यहाँ पर आपको एक बात ही समझनी होगी कि हम यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 कर लें, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, है ना। क्यों, क्योंकि हम फिर 3 का हाफ नहीं कर पाएंगे, या 3 का फिर ऐसा कुछ जो है वो पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी। तो देखिए अब यहाँ पर 2 था तो हमने भी यहाँ पर 2 कर लिया, चले ठीक है। अब यहाँ 2 है मतलब प्रोडक्ट में यहाँ 2 होना चाहिए, तो चले मैंने भी यहाँ 2 लगा दिया। अब आपको एक चीज़ ये भी क्लियर होना चाहिए कि यदि आगे 2 लगाया है तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं ये दोनों के लिए है। जैसे वो ब्रैकेट में अपन लिखते हैं ना 2a+b, तो इसका क्या मतलब होता है 2a+2b, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पर भी, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो भाई चले मैंने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 2, 3, 6, ये लीजिए, तो भाई हाइड्रोजन 6 हो गया, हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब 2 को मुझे 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करें हम, अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई 2, 3, 6 करना पड़ेगा मुझे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 होगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। तो मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें क्या करना है, हाइड्रोजन वाले पार्ट में, तो मतलब
मतलब मुझे यहाँ पर 3 लगा देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 × 6, है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन था बैलेंस करने के लिए। हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कम है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, किसका मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए फिर सेकेंड वाले में जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, पहले अपन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 + 2, दो जगह पर है तो दोनों को ऐड करेंगे अपन, 1 + 2 = 3, सल्फर सिंगल है, ठीक है ना। चल इधर आ जाना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर सिंगल ही है, ऑक्सीजन 2 है, बहुत ज्यादा अनबैलेंस टाइप का इक्वेशन है ये, है ना। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट में ध्यान देखें, हाइड्रोजन 2 है, ओके नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 ही है, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन यहाँ पर पूरे इक्वेशन को अनबैलेंस करके चल रहा है। अब हम ये सोचें कि भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आना बराबर चाहिए, तो फिर कैसे करें, 2 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 3 नहीं आता, 3 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 नहीं आता, तो हमें इतना तो मालूम है कि 2 और 3 दोनों के टेबल में एक नंबर आता है और वो है 6, है ना। 2 और 3 दोनों के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, एलसीएम टाइप का जैसा हम करते हैं, यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हैं बात मेरी, यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा वो, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, क्लियर है। चलें भाई, अब यहाँ पर हमने जो है 3 यहाँ पर कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हमने यदि यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हो रहा है, तो ये हमने 3 × 6 कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 × 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 बनी हुई है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई जरूर किया है, लेकिन वो 2 कहाँ पर मल्टीप्लाई हो, भाई ये भी प्रॉब्लम है ना। तो देखें अब यहाँ पर मैंने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, चल मान मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, 2 × 2 = 4 और 4 + 1 = 5, अभी भी अनबैलेंस है, ठीक है। लेकिन सल्फर कितना हो गया, मैंने बोला आपसे कि ध्यान में लगा हुआ है, तो पूरे ब्रैकेट में आपको हुआ वो मल्टी कर, सल्फर भी हो गया 2 × 2, ठीक है, सल्फर भी 2 हो गया, यहाँ पर सल्फर अभी भी 1 है, ये लीजिए अब फिर प्रॉब्लम है, है ना। तो बैलेंस करने के लिए अपना जो माइंड है वो आपको ऐसे सेट करना है कि कहीं पर यदि कोई प्रॉब्लम कोई मिस्टेक हुई तो घबराना नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सल्फर 2 हुआ ना, तो हम यहाँ पर ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने फिर से यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 हो गया, सल्फर कहाँ मौजूद है, इधर पर, है ना, सल्फर कहाँ मौजूद है, इधर पर, यानी कि मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, इधर पर। हमेशा जब भी आप कोई भी नंबर लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, वो हमेशा आपको आगे ही लिखना है, नीचे मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा बैलेंसिंग आपका, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया है हमने, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, 2 यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो ये हो गया। अब देखिए सल्फर 2 हो गया, ठीक है, पूरे 2 में यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं 6 लिख देता हूँ। अब देखिए अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि 2 × 2 = हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 ही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 2 × 2 = 4, ये लीजिए ये भी हो गया 4। अब देखें ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन के साथ भी हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी हुआ है, तो देखिए 2 × 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हुआ 2 और यहाँ पर 2 × 4, यानी कि यहाँ का 2 और यहाँ का 4, 4 + 2 = 6, ये लीजिए। अब देखिए क्या बैलेंस है क्या इक्वेशन, देखिए जरा, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ये लीजिए बिल्कुल इक्वेशन जो है वो आपको बैलेंस्ड मिल चुका है ना। तो बिल्कुल कहीं पर भी हमें घबराना नहीं कि अरे यार यहाँ पर कम हो गया यहाँ पर ज्यादा है, नहीं, आप बिल्कुल बैलेंस बराबर करते चलें, अपने आप आपको इक्वेशन जो है वो बैलेंस मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, इतना आसानी से बनता नहीं है,
ठीक है। चलो अगला वाला देख लेते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है उसके पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, जिससे अपन जो है ये यहाँ पर टू क्यों लगा है, यहाँ पर टू क्यों लगा है, यहाँ पर टू क्यों लगा है, इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पर टू थ्री फोर कितना भी लगा हो तो भाई उसको हम लगाते कैसे हैं, है ना। नाइन्थ में हमने पढ़ा है लेकिन उसको समझना जरूरी है, तो मैं अगले क्वेश्चन के पहले उसको समझा दूंगा। फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सोल्यूशन, है ना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ देखिए, इन्होंने बोला है कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। ये सबके फॉर्मूले हैं, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बैरियम क्लोराइड, ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूले फिक्स्ड है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पर बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस जरूर कर सकते हैं उसे। और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला और ये है बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं यही मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन से, सॉरी फिफ्थ बोल रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन के पहले। चलिए तो भाई देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम टू है, ठीक है, सल्फेट को पूरा ले रहे हैं अपन को, ये थ्री है, फिर बैरियम वन है और क्लोरीन टू है, यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम वन है, क्लोरीन थ्री है, बैरियम वन है और सल्फेट थ्री है ना। अब देखें कहाँ कहाँ पर अनबैलेंस समझ में आ रहा है हमें, तो हमें भाई अनबैलेंस एल्यूमिनियम में भी समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम यहाँ पर टू है और यहाँ पर वन है, तो क्या कर दे, टू का मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं भाई, टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो टू होगा। तो चले भाई मैंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, यहाँ पर भी टू, एल्यूमिनियम का खेल हो गया। अब देखिए टू का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है तो ब्रैकेट वाला याद करें आप, तो भाई टू थ्री जा सिक्स, यानी क्लोरीन कितना हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, है ना, टू थ्री जा सिक्स। अब यहाँ क्लोरीन सिक्स है, यहाँ क्लोरीन टू है, ये लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर भाई सिक्स है तो यहाँ पर भी सिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई करना होगा हमें, यहाँ पर भी हमें थ्री का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कहीं जाकर क्लोरीन सिक्स होगा। अब क्लोरीन को मैंने यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई किया है, क्लोरीन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, मतलब थ्री का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, यहाँ करेंगे आगे, बीच में कभी लिखना है, लिखना आपको आगे ही है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्लोरीन सिक्स हो गया, एल्यूमिनियम टू हो गया, दो चीज़ों को अपना बैलेंस कर लिया। आगे देखें आप, बैरियम कितना है, यहाँ पर वन था लेकिन थ्री से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, ठीक है, यहाँ पर वन है तो थ्री वन जा थ्री हो गया थ्री। अब वहां पर देखिए कितना है बैरियम, वन है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री का, तो हम कर देते हैं सल्फेट यहाँ पर वन है, ठीक है, क्योंकि वन ही है। अब थ्री का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, चलिए क्यों थ्री का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ बैरियम थ्री हो गया था इसलिए हमने थ्री का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या हुआ, बैरियम थ्री वन जा थ्री हो गया, सल्फेट, सल्फेट सिंगल SO4 सिंगल, तो सल्फेट भी थ्री से मल्टीप्लाई होने के बाद थ्री हो गया। चलिए अब देखते हैं एल्यूमिनियम टू, क्लोरीन सिक्स, बैरियम थ्री एंड सल्फेट ऑल्सो थ्री। ये देखिए इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हमें मिल गया, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे हमें बैलेंस करना है। अब एक क्वेश्चन जो है इसमें और बचा हुआ है फोर्थ वाला, वो भी समझ लीजिए बैलेंस करना, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, सॉरी फोन लिख के बैठा हूँ यहाँ पे। चल लास्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम जो है फोर्थ है, पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, पोटेशियम प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस KOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे देख लें हम बैलेंस है कि नहीं, पोटेशियम कितना है भाई, वन है,
हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ जाए पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3। अब लीजिए देखें कहाँ पर अनबैलेंस है, बराबर काम हो गया। अब तो पोटेशियम तो 1 है, ठीक है चले, हाइड्रोजन 2 है और वहाँ 3 है, अब क्या किया जाए, यहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, तो क्या किया जाए, यहाँ पर हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया 2 2 2 2 4 और ऑक्सीजन हो गया कितना, 2 1 2 2, ठीक है 2 2 4 2 1 2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, यानी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, और यदि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पोटेशियम भी डबल हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना, 2 प्लस 2, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। लीजिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अब बारी किसकी है, पोटेशियम की, है ना, तो देखिए पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 1 2, और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है, बट ये होकर कहाँ होगा, ये होकर यहाँ, यहाँ होकर मल्टीप्लाई जो है वो 2 1 2 आएगा। अब आप देखिए पोटेशियम भी डबल है, हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन भी डबल है, यानी कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन था वो बिल्कुल बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन के डबल मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 3 हो गए थे, तो हमने उसको 2 3 6 क्यों नहीं किया, बेटा देखिए क्या होता है, कभी कभी जो है ये जो 2 3 6 वाली जो कंडीशन है कभी कभी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। यदि मैं 6 कर देता तो फिर यहाँ पर जो ये जो KOH वाला हाइड्रोजन है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिर बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। जब हमसे केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस करते बनने लगती है तो फिर हमारा दिमाग जो है इन सब चीज़ों में अपने आप काम करने लगता है कि कहाँ पर हमें जो है वो कौन सा नंबर फिट करना चाहिए, ठीक है, समझे होंगे आप। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन करने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ बार बार की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा वो सुन लेते हैं। लास्ट क्लास में 9th में हमने बैलेंसी पढ़ी थी, है ना, कि कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है उसकी बैलेंसी क्या होती है, क्या होता है ना, बैलेंसी से मतलब है कि कोई मेटल या नॉन मेटल एलिमेंट बोलते हैं हम, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये जो एक्सेप्टेंस या डोनेट करने की जो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो है ना कहना चाहिए उसको हम जो है बैलेंसी के फॉर्म में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मैंने आपको बताया था कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने पर कंप्लीट होगा, या तो 2 हो या तो 8 हो, और फिर से आने वाली कंडीशन है, तो जो मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं उनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी उनकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो कोशिश करेगा कि उसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाए, ठीक है ना, क्या कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, समझ रहे हैं बात, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए उसकी वैलेंसी होगी -2, ठीक है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। केमिकल्स करते हैं, जैसे मैं मान लूं कि H2SO4 है ना, BaCl2 है, AlCl3 है,
एच एन ओ थ्री है। तो इनके माध्यम से हम समझ लेते हैं, मित्रों अपन समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, हमें मालूम है कि H2SO4 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन पहले। तो H2SO4 में हाइड्रोजन की वैलेंसी है प्लस वन की, और सल्फर की जो सॉरी सल्फेट जो है इसकी वैलेंसी है माइनस टू की। यानी सल्फेट को चाहिए भाई, यहाँ माइनस टू लिख देते हैं और यहाँ पर टू लिख देते हैं और यहाँ पर वन लिख देते हैं। तो क्या हुआ, सल्फेट को चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाए तो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर ले, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो वन नहीं है, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम दो हाइड्रोजन लेते हैं, या तो सिंपल से समझ सकते हैं कि टू का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, वन का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और यदि बेसिक पर जाकर समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि भाई क्योंकि सल्फेट को टू इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो सिंगल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपनी जो जो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो पूरी कैसे करें, उसकी पूर्ति कैसे करें, तो नहीं कर सकता वो। तो क्या करेगा, उसे एक और हाइड्रोजन के साथ जाके बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जो एक सल्फेट है वो दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा वहां पर, H2 डबल हाइड्रोजन H2SO4। ठीक है, फिर अगला लिखते हैं हम AlCl3। बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत काम में आने वाला है हमारा अगले क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि हमें यदि यही नहीं मालूम है कि कंपाउंड कैसे बन गया तो हम जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। देखिए AlCl3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है प्लस 3 की, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन, क्लोरीन की एक्सेप्टेंस ये होती है भाई, सॉरी क्लोरीन जो है वो माइनस वन होता है, यानी कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो यदि हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, Al1 और Cl3, ये तो सीधे बन गया, है ना। सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम कर लिया, लेकिन वही है कि थोड़ा सा यदि हम बेसिक समझना चाहें तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पास है लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके बाकी के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन को उठा के लेके आ रहा है उसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो थर्ड वाले को दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हमें देने पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन को जो है एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, AlCl3, है ना, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन की वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है। फिर अगला देखें अपन, BaCl2 बैरियम की वैलेंसी है प्लस प्लस, यानी कि प्लस 2, और क्लोरीन की अभी हमने देखी माइनस 1। अब बैरियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, चलिए 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिखना, तो 1 का मल्टीप्लाई था 2 का मल्टीप्लाई था। लेकिन यदि हम उसको बेसिक से समझना चाहें तो क्या समझेंगे कि भाई बैरियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो एक तो दे देगा, एक और कहाँ जाएगा, तो एक और वो एक और क्लोरीन को उठा के लाएगा और उसको दे देगा, इसलिए ये BaCl2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो Ba1 से मल्टीप्लाई होकर Ba और Cl2 से मल्टीप्लाई होकर Cl2 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बस हमें दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पर HNO3 देखें तो H यानी H+ और NO3, ये पूरा सिंपल है, नाइट्रेट इसको बोलते हैं, है ना, NO3-, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस एक की कमी है, तो एक ने एक को कंप्लीट कर दिया। तो सिंपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक नाइट्रेट, तो एक एक से मल्टीप्लाई होके ये बन गए HNO3, यानी सिंगल मोल जो है एक दूसरे की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, वहां पर किसी और या कुछ ज्यादा लेने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, इस चीज को समझना और ध्यान रखें इस चीज को क्योंकि बहुत काम आने वाला है। अब अपन बैलेंस करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वह HNO3 प्लस COH2
ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखें इसमें बैलेंस करना है हमें, तो पहले हम लिख लेते हैं जैसे हमने वहां अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, कैल्शियम 1 है, नाइट्रेट 2 लगा हुआ है तो 2 है, फिर H यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ना। यहां देखें हाइड्रोजन देखिए 1 यहां पे है और 2 यहां मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जा 2। देखिए जब नीचे लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा रहता है, 2 बन जा 2 यानी कि 2 प्लस 1 3, 1 ये वाला और 2 ये वाला, 2 प्लस 1 3 हो गया। नाइट्रेट सिंगल है, सिंगल पूरा लेते हैं किसी स्लो पर। फिर कैल्शियम, कैल्शियम भी सिंगल है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होके डबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें अनबैलेंस दिख रही है हमें, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ की है वहां मतलब थोड़ा तो प्रॉब्लम है। चल तो देखें नाइट्रेट यहाँ पर 1 है, वहां पर 2 है, यानी क्या करें पहले तो हम नाइट्रेट को ही संभाल लेते हैं, यहाँ 1 है वहां 2 है, यानी कि यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें नाइट्रेट में, 1 × 2 का मल्टीप्लाई, जो सबसे पहले सॉल्व हो सकता है पहले उसको सॉल्व कर लें फिर उसके बाद अपन आगे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, अब नाइट्रेट यहाँ पर है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं और नाइट्रेट इधर है यानी इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए भाई मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया यानी नाइट्रेट डबल हो गया, लेकिन नाइट्रेट के साथ साथ हाइड्रोजन भी डबल हो गया। अब हाइड्रोजन 2 + 2 कितना हो गया 4, है ना, ये हो गया 2। चल नाइट्रेट का खेल खत्म हो चुका है। अब देखिए कैल्शियम 1 है वहां पर भी अभी 1 ही चल रहा है, ऑक्सीजन 2 है वहां पर 1 है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है वहां पर 1 है, यानी यहाँ कितने का मल्टीप्लाई किया जाए 2 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ यानी यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इधर, क्या हो गया 2 हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी चल रहा है, तो ये कितना हो गया 2 × 4, हाइड्रोजन भी हो गया 4। अब देखिए जरा ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, देखते हैं हाइड्रोजन 4 है, देखिए अपने आप 4 हो गया, बैलेंस हो गया, नाइट्रेट डबल है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन हमने इजीली बैलेंस कर लिया। तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अपने आप बैलेंस करना सीख जाते हैं, है ना। कुछ चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं, कुछ चीजों को हमें खुद भी बैलेंस करना पड़ता है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, NaOH प्लस H2SO4 implies Na2SO4 plus H2O। ये है इक्वेशन, इसे हमें बैलेंस करना है, तो देखें सोडियम है ना, Na सोडियम का 1, ऑक्सीजन 1, ये सल्फेट अलग है इसके ऑक्सीजन में जोड़ेगा, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 + 2, 1 यहाँ का और 2 यहाँ का, 3, ठीक है, सल्फेट 1 ही है ना। तो यहाँ देखें सोडियम 2, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन। देखिए चलो अब देख लेते हैं सोडियम यहाँ 1 है वहां 2 है, यानी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई 1 × 2, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा मतलब कहाँ जाएगा, इधर ये लीजिए मैंने कर दिया है ना, तो यानी यहाँ पर सोडियम भी कितना बन गया 2 बन गया। देखिए केवल सोडियम में चेंज नहीं हुआ है, चेंज कहाँ कहाँ पर हुआ है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन में भी और हाइड्रोजन में भी, देखिए 2
टू वन जा टू और यहाँ पे टू वन जा टू और प्लस टू कितना हो गया ये हाइड्रोजन हो गया फोर ठीक है ना टू वन जा टू और प्लस टू फोर हो गया मल्टीप्लाई कहाँ पर हो रहा है टू का इधर तो टू वन जा टू और प्लस टू फोर इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा अब देखें नाइट्रोजन को हमने सॉरी सर भी हमको हमने बैलेंस कर लिया सल्फेट ऑलरेडी अभी बैलेंस चल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में समस्या जा रही है ना हाइड्रोजन यहाँ फोर है और ऑक्सीजन यहाँ टू है लेकिन वहाँ पर टू और वन है यानी कि यदि मैं यहाँ टू का मल्टीप्लाई करूँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फोर हो जाएगा टू जो फोर और ऑक्सीजन टू वन जो टू हो जाएगा ठीक है मैं कर देता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है टू कर दिया मैंने तो यहाँ पर टू टू जा फोर और टू वन जा टू देखिए बैलेंस है क्या सोडियम टू है ऑक्सीजन टू है हाइड्रोजन फोर है सल्फेट वन है यानी कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन था ये हो गया बैलेंस है ना समझ गए हम क्या अपन अब अगला इक्वेशन देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन है अब थर्ड इक्वेशन क्या है NaCl प्लस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट तो देखें AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट चलो यहां पर देख लेते हैं सोडियम सिंगल क्लोरीन सिंगल सिल्वर सिंगल और नाइट्रेट भी सिंगल पर यहां देखें Ag सिंगल Cl सिंगल Na सिंगल और NO3 यानी नाइट्रेट भी सिंगल देखें सोडियम बैलेंस है क्लोरीन बैलेंस है Ag यानी सिल्वर भी बैलेंस है और नाइट्रेट भी बैलेंस है मतलब ये पूरा केमिकल इक्वेशन हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत इस इक्वेशन में फिलहाल तो नहीं है ठीक है यानी इसे मैं छोड़ देता हूँ बिल्कुल सारा चीज बैलेंस हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है ना चलो फोर्थ वाले में आ जाए हम चल लास्ट बचा हुआ है अब BaCl2 H2SO4 फिर क्या हुआ BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना चलिए देख लेते हैं इसे बेरियम 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन टू और सल्फेट वन ठीक है यहाँ पर बेरियम वन सल्फेट वन हाइड्रोजन वन एंड क्लोरीन देते हैं क्लोरीन भी वन है देखिए गड़बड़ किधर हो रही है भाई गड़बड़ हो रही है क्लोरीन में और हाइड्रोजन में बेरियम और सल्फेट ठीक लिखे हुए गड़बड़ किधर हो रही है क्लोरीन में और हाइड्रोजन में वहां पर वन है यहाँ पर टू तो क्या करें हम भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें डबल चाहिए ना यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है लेकिन यहाँ पर वन वन है तो क्या करें हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे है ना हाइड्रोजन में टू का मल्टीप्लाई करते हैं और क्लोरीन में टू का मल्टीप्लाई कर दें तो टू वन जो टू टू वन जो टू और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के इधर लिखे हुए हैं इधर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है मैं आगे लगा दूँ टू तो हाइड्रोजन भी टू वन जो टू और क्लोरीन भी टू वन जो टू हो गया देखिए क्या बैलेंस है क्या ये मैं लिख दूं यहाँ पर टू देखिए बैरियम वन सल्फेट वन क्लोरीन टू और हाइड्रोजन भी टू है ना तो इस तरीके से ही हमारा जो केमिकल इक्वेशन था वो बहुत इजीली बैलेंस हो गया है ना तो ये था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए इसका तरीका अब आज का वीडियो तो मैं इतना ही बना रहा हूँ मैंने मेन जो है इसमें फोकस किया कि मैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए अब आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको
एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपके जो भी डाउट्स बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स चैप्टर को लेके वो क्लियर हो जाए और हम लगातार जो है वो समझना जारी रखें और लिखना भी। तो आप लोग लिखें भी और साथ में उसे समझते भी चलें मेरे वीडियो के थ्रू, तो आपका जो है जो अभी जो हम फ्री बैठे हुए हैं उसका उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाए। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ और समझते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।